गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग मैथ का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहला एक्सरसाइज, जैसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। यहाँ नंबर लिखा है, उस नंबर का नेम लिख देना है। जैसे पहला नंबर है 458, इसको कितना बोलते हैं 458। यहाँ से काउंट करते हैं वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड में कितना है 4, तो बोलेंगे 400, 400। फिर 10 पे कितना है 5, 5 10 50 बोलते हैं, 58। पहला हमारा इनको है नंबर 458। दूसरे वाले में नंबर नेम दिया है और हमको क्या करना है, यहाँ पे उस नंबर को फीड करना है। जैसे नंबर्स नेम लिखा है 271, तो 100 वाले प्लेस पे 2 लिखेंगे, ठीक है। 10th वाले प्लेस पे 70 है तो 7 लिखेंगे और फिर 1, हमारा 271 हो गया। इसी तरह से आपको पूरा ये फिल करना है बाकी तीनों नंबर भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर, जो इसमें सबसे छोटा नंबर है उसको सर्किल कर देना है। जैसे सेकेंड वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 312, 516, 789, इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसको सर्किल करना है। एक है 312, 516, 789, सबसे छोटा कौन हुआ इसमें, तो 312, तो उसको सर्किल कर देना है, ठीक है। इसी तरह चार क्वेश्चन और हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन और है, एक तो हो ही गया। उसमें भी आपको जो सबसे तीनों नंबरों में जो सबसे छोटा है उसको आपको सर्किल कर देना है। जैसे ये 237, 347 और 121, सबसे छोटा 121 है तो इसको सर्किल कर देना है। इसी तरह बाकी दोनों भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सर्किल करना है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 887, 925 और फिर है 767। इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 925, इसको सर्किल कर लेना है, ठीक है। इसी तरह बाकी तीनों क्वेश्चन जो है उसमें जो सबसे बड़ा है उसको सर्किल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, 4 का जो ए है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, ये नंबर लिखा है 458, इससे तुरंत पहले क्या आएगा, तो इसमें से 1 माइनस कर लेंगे, हमारा ये नंबर मिलेगा 457। इसी तरह दूसरा वाला भी अपने मन से फील करेंगे, ठीक है। इसी का बी पार्ट लिखा है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 789, इसके तुरंत बाद क्या आएगा, तो 790, ठीक है। फिर 200 है, इसके बाद क्या आएगा, 201, तो ये अपने मन से आप लोग फील करेंगे। फिर है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि बड़े रूप में लिखना, कैसे लिखेंगे। जैसे ये नंबर लिखा है 347, सबसे पहले 3 है, 3, इसके बाद जो 100 वाले प्लेस पे है तो 2 जीरो, प्लस फिर 4 है 10th वाले प्लेस पे, उसके आगे 1 जीरो, प्लस लास्ट में 7 है, 7। ये हमारा हो गया 347। ऐसे ही सेकेंड वाले को आप लोग फिल कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
इसमें बताना है, जैसे यदि पहला नंबर बड़ा है तो ये साइन लगाना है, पहला नंबर छोटा है तो ये साइन लगाना है, और दोनों नंबर इक्वल है तो ये वाला साइन लगाना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहले 169 है और ये 170 है, ये कम होता है तो कम के लिए ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह ज़्यादा के लिए देख ले, जैसे इस वाले क्वेश्चन में पहला 900 है दूसरा 800 है, 900 बड़ा होता है तो साइन ये वाला लगा लेंगे। इससे पहले वाले में 199 दोनों और सेम है, यहाँ इक्वल वाला साइन लगा लेंगे। बाकी सब दो और बचा है, अपने मन से आप लोग फील कीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो क्या है यहाँ पे नंबर 172, 385, 270, 437। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, तो 172, तो उसको पहले लिख लेना है। फिर इससे बड़ा कौन है, तो 217, ठीक है। फिर इससे बड़ा कौन सा है, तो 385, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर हम लोग लिख लेंगे। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसी तरह दूसरा वाला आप लोग अपने मन से फील करेंगे। फिर नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी सबसे बड़ा नंबर हमको पहले लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 666, उसको पहले लिखेंगे। फिर उससे छोटा 333, उससे छोटा 222, और सबसे छोटा 111। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह दूसरा वाला आपने मन से कर लिया, जो सबसे बड़ा होगा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। प्लेस वैल्यू, अब यहाँ कंप्लीट द फॉलोइंग, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 in 572। तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है, यहाँ 5 है, 100 वाले प्लेस पे है तो 500। फिर सेकेंड क्वेश्चन है द नंबर कम्स बिटवीन 728 और 730, इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो 729, ये फील हो गया। द नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर 299 के तुरंत बाद कौन सा आएगा, तो 1 उससे ज़्यादा 300। द प्लेस वैल्यू ऑफ 0, ध्यान देना 0 की वैल्यू 010 नहीं लिखते हैं, हमेशा 0 ही होती है, प्लेस वैल्यू हर जगह 0 होगी। फिर लिखा है द ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर, 3-डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, कितना हो डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बोले पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, उतनी बार 9 लिख लेते हैं, तो 3-डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999 तीन बार। 4-डिजिट का रहता एक 9 और बढ़ा देते हैं, 2-डिजिट का रहता तो सिर्फ 2 बार 9 यानी 99 लिख लेते हैं, तो 3-डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999। तो पहला एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होता है, आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा फिर हमको कॉल कीजिएगा, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। ओके बाय।